मौलाना के सामने उड़ाकर रख दी। कहा पसे पर्दा राबते किसी सूरत कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो के इन अल्फाज का असर मौलाना फजल रहमान ने अपनी जुबान दानी के हुनर से कम करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। सच यह है कि मौलाना फजल रहमान के इन्हीं जाती मफादात के चक्कर ने अपोजिशन को उनकी इमामत दिल से कबूल करने से रोक रखा है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान जितनी मर्जी धमकियां दें, जितने बड़े मर्जी दावे करें, हुकूमत को इसकी जरा बराबर परवाह नहीं। इमरान खान दूसरे मामलात को सुलझाने में उलझे हैं। बड़ी तब्दीली की खबरें गर्म हैं। पंजाब काबीना पर फिर तब्दीली की तलवार चलने की अफवाहें हैं। इस हवाले से बाबर डोगर साहब के पास बड़ी खबरें हैं, उनसे पहले हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब भी हैं, असद खरल साहब भी हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब, जो खबर आपने और असद खरल साहब ने कल दी थी, आज वो सच साबित हुई। नोटिफिकेशन भी आ गया और लगता है कि जो बाकी बातें आपने की थी वो भी अगले चंद घंटों में नजर आ जाएंगी। आज बड़ी खबर क्या है आपके पास, जो बड़ी तब्दीली आ रही है उनके बारे में? उसामा साहब, कैबिनेट भी तो रीशफल हो ही रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल हो रहा था, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी तो लग गए हैं, मेजर आजम सुलेमान जो है वो कल अपना चार्ज ले लेंगे चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, और पंजाब में एक बहुत बड़ा रेला आएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का। कल या परसों एक और बड़ी रीशफल होगी, वो है आईजी पंजाब चेंज हो रहे हैं। जो कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज है उनकी जगह जो है शैब दस्तगीर साहब जो है उनको आईजी लगाया जा रहा है, और शैब दस्तगीर जो है वो पुलिस फाउंडेशन के हेड हैं इस वक्त, और इसके साथ केपीके के जो आईजी हैं उनकी तो मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो रही है, तो उनकी जगह ताहिर साहब जो हैं उनको आईजी केपीके लगाया जा रहा है, और शैब दस्तगीर जो हैं वो पंजाब के जो हैं वो आईजी लग रहे हैं। जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे अभी तक पता चला, जो मेरे चूहों ने मुझे रिपोर्ट दी है कि शैब दस्तगीर का नाम अब मंजूर हो चुका है, अप्रूवल हो चुकी है, और अगले दो तीन दिन में ये भी एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद फिर पंजाब में पुलिस का भी ट्रांसफर पोस्टिंग का एक रेला आएगा। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज हैं पंजाब में जो जिनको सुबह बदर किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन पे ये इल्ज़ाम था कि वो डबल गेम कर रहे हैं, बहुत सारी ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जो डबल गेम कर रहे थे, वो पीएमएलएन के साथ भी लॉयल थे और इस गवर्नमेंट में भी आला पोस्टें लेके बैठे हुए थे। कल रात को लेट नाइट उस पर उन सारी लिस्टें मंगवाई गई, एक एक ऑफिसर पे ग्रेड 19 से 22 तक के एक एक ऑफिसर पर डिस्कशन हुई, उसकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन हुई, और अल्टीमेटली तकरीबन 200 के करीब ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी रीशफल होगी, और उनमें से बेताशे ऐसे हैं जिनको सुबह बदर किया जाएगा। तो सुबह में सेक्रेटरीज़ या कमिश्नर जो हैं उनमें अफरा तफरी है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि पहले भी ये डिसीजन लिया गया था आज से एक साल पहले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह बदर करना है, लेकिन वो डिसीजन जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो जो मुख्तलिफ लॉबीज जो थी उन्होंने अपना काम किया और वो रुक गया। तो अब मेरी इत्तला दी है कि वो लिस्ट फाइनल हो चुकी है, कल जब नए चीफ सेक्रेटरी आएंगे तो उस लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और 250 अफसरान जो हैं उनकी गाड़ पछाड़ यहाँ पर होगी। जी खरल साहब, ये अब जिस तरह बाबड़ोगर साहब कह रहे हैं, पहले भी आप दोनों की खबर बिल्कुल आज देखा गया कि वही चीफ सेक्रेटरी साहब लगाए गए हैं जिनका आपने बकायदा लाइव प्रोग्राम में साथ साथ बताया था कि मेजर रिटायर्ड आजम सलमान साहब हैं और उनको लगाया जा रहा है। फिर आपने कहा भी कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जब आएगा तब देखेंगे। तो आज क्या खबरें आपके पास? बाबड़ोगर साहब ने तो बता दिया किस तरह से खाड़ पिछाड़ हो रही है, तो कुछ खबरें मेरे पास भी इस हवाले से हैं कि कई वजीर तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे, अगर कोई एक वजारत है तो देख दूसरी वजारत की तरफ रहे। देखिए, चूँकि मैं जिस तरह बाबर डोगर साहब ने की है और जिस तरीके से हंगामी बुनियादों पर एक तब्दीलियां और निज़ामी वालों से नहीं, काबीना के अंदर भी तब्दीलियां जो है वो भी देखने में आ रही हैं, और बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और बड़ी एक मेजर काबीना के अंदर भी रीशफलिंग आ रही। इस तरह वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ जस्टिस फरोग नसीम साहब के जो हवाले से, इनके इस्तीफे के हवाले से, बैरिस्टर जो है फरोग नसीम जो कि इतिहादी हैं, एमकेएम से उनका तल्लक है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत के हवाले से बहुत सी अहम लेजिस्लेशंस जो थी, उनके बिल थे जो कि आर्डिनेंस की शक्ल में आया, फिर उसके बाद वापस हुए, आपस में जो कंसेंसस हुआ। तो डोगर साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये बातें जो है, मैं चूँकि इस्लामाबाद से तकरीबन आज सारा दिन रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी और मुख्तलिफ जो है वजारतों में, डिवीज़न और जो दफातर में, तो वहाँ पे जो बहुत सारी
एक तो रीशफलिंग के हवाले से अदम यकीनी जो है ब्यूरोक्रेसी में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।